तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HCL टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा 23 तारीख को इसके Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं और पूरी उम्मीद है दोस्तों Q4 के रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे, साथ ही डिविडेंड भी कंपनी अनाउंस करने वाली है। अलॉन्ग विद दैट दोस्तों कंपनी में एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है, कंपनी ने एक बहुत बड़ी डील की है। दोस्तों क्या ये डील है, क्या इसमें कंपनी को फायदा होगा, पूरा डिस्कस करेंगे और साथ ही बताऊंगा देखिए क्या यहाँ पर कंपनी के बिजनेस और फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स नजर आ रहे हैं, सारी बात हम करेंगे इस वीडियो में। और पूरा देखिएगा दोस्तों वीडियो को, काफी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। टेक्निकल चार्ट पे बात करें तो देखिए अपने ऊपर इस तरह से करीब करीब अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो देखिए 10% के आसपास जो है करेक्टेड लेवल पे ये हमको मिल रहा है। अगर मैं पूरा आईटी पैक की बात करूँ दोस्तों तो मुझे सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो HCL टेक में नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, HCL टेक अपने वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग दोस्तों सस्ता नजर आ रहा है और अपने हिस्टोरिकल पी के आसपास ही नजर आ रहा है, इंडस्ट्री के पी से भी ये सस्ता नजर आ रहा है। तो इस वैल्यूएशन का दोस्तों हमको फायदा उठाना चाहिए। आज के दिन में करीब करीब इसमें 3-4% की जो गिरावट हुई है दोस्तों, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह हमको लेना चाहिए। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों हमको इस शेयर को जरूर कंसिडर करना चाहिए। बहुत ही शानदार ही कंपनी है और अगर मैं एक फैक्ट बताऊं आपको तो देखिए अगर हम लार्जेस्ट मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी की जब बात करते हैं दोस्तों, HCL टेक का नाम सबसे ऊपर आता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडस्ट्री के जो पीयर्स है उनसे उनकी बात भी मैं कर लूँ तो दोस्तों यहाँ पर टॉप पे HCL टेक का नाम आता है। और ये ऐसा नहीं है एक बार ही हुआ दोस्तों, लास्ट 4 सालों से HCL टेक यहाँ पर टॉप पे खड़ी हुई है। जब हम बात करते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी ऑल ओवर दी ग्लोब तो HCL का नाम सबसे यहाँ पर ऊपर आता है। जबरदस्त कंपनी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें जब हमेशा मतलब इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए जब भी इसमें करेक्शन आता है। लॉन्ग टर्म दोस्तों इन्वेस्टिंग अगर आप करते हैं तो HCL टेक जरूर आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकता है। अब देखिए अगर ये और करेक्ट हुआ तो कहाँ तक आ सकता है, इसमें जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर दोस्तों ये 900 के लेवल पे आ जाता है जो कि एक सपोर्ट है इसका, पहले भी देखिए यहाँ पर अगर मार्केट में करेक्शन हुई, आईटी सेक्टर से कुछ रिलेटेड ग्लोबल न्यूज़ यहाँ पर सुनने में आई तो दोस्तों यहाँ पर करेक्शन होगा। 900 के आसपास आए तो डेफिनेटली इसको आप ग्रैब कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। हाल ही में दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने इसमें 1300 के ज़बरदस्त टारगेट दिए हैं, तो अभी दोस्तों काफ़ी निचले स्तरों पर ये हमको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो ज़रूर इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अब वो न्यूज़ क्या है दोस्तों उस पर चलते हैं सबसे पहले, उसके बाद बाकी की बात हम करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है HCL टेक विंस ऑर्डर्स फ्रॉम UD ट्रक्स। जी हाँ दोस्तों, ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। और क्या ये है न्यूज़ और क्या ये डील है, चलिए इसको जानते हैं। देखिए HCL टेक्नोलॉजीज और मंडे सेट इट हैड साइंड अ मल्टी मिलियन डॉलर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हाइब्रिड क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट विद जैपनीज कमर्शियल व्हीकल सॉल्यूशंस प्रोवाइडिंग UD ट्रक्स। तो UD ट्रक्स के साथ दोस्तों यहाँ पर ये मल्टी मिलियन डॉलर डील हुई है, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी डील ये यहाँ पर हुई है UD ट्रक के साथ, जहाँ पर ये पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनको करके देंगे और पूरी कमर्शियल व्हीकल सॉल्यूशंस यहाँ पर क्रिएट करके देंगे। अब HCL टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या डिलीवर की करेगी, देखिए एंड टू एंड आईटी ट्रांसफॉर्मेशन स्पैनिंग अक्रॉस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, अजाइल डिजिटल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, माइग्रेशन सपोर्ट एंड मेंटेनेंस एंड डिजिटल वर्कप्लेस सर्विसेज, दी आईटी सर्विसेज मेजर सेट। तो पूरा यहाँ पर एंड टू एंड आईटी ट्रांसफॉर्मेशन ये करके देने वाली है और बहुत बड़ी डील है दोस्तों, मल्टी मिलियन डील, आप समझ सकते हैं इससे क्या यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इनके रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ से काफ़ी अच्छी हो सकती है आगे आने वाले समय में। तो ये है दोस्तों डील और आपको इसको मैंने समरी बता दी कि डील क्या है और क्या यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब बात करें देखिए HCL टेक्नोलॉजीज़ में दोस्तों काफ़ी अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक CAGR ग्रोथ काफ़ी लॉन्ग टर्म से देती हुई आ रही है और आगे भी दे सकती है, क्योंकि जिस प्रकार दोस्तों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कंपनीज़ का और पैंडेमिक के बाद से वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन आ चुकी है, क्लाउड माइग्रेशन हो रहा है, डिजिटल फाउंडेशन क्रिएट हो रही है। HCL टेक्नोलॉजीज दोस्तों बात करते हैं जब इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस एंड R&D सेगमेंट की तो दोस्तों ये अपने पीयर से काफ़ी आगे खड़ी हुई नजर आती है और बहुत ही शानदार ये कंपनी है। वैल्यूएशंस मैंने आपको बता दी दोस्तों, अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे अभी ये अवेलेबल है तो आप ज़रूर इसको कंसिडर कर सकते हैं। देखिए ROC देखिए 27.4, ROE देखिए 23.7 के आसपास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़बरदस्त है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, प्लेजिंग जीरो है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। IT सेक्टर की दोस्तों दिग्गज है, TCS, इंफोसिस, HCL, विप्रो, ये जब नाम लेते हैं दोस्तों इन चारों का ही नाम आपको सबसे ऊपर देखने को मिलता है। और हाल ही में दोस्तों विप्रो को इसने जो है पीछे छोड़ा है। जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जब की बात होती है तो HCL का नाम अब तीसरे नंबर पे आता है। तो देखिए इसके रिटर्न रेशोज काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, अब इसके बारे में दोस्तों आप सभी को पता है, सेल्स के नंबर आप देखिए जून 2009 से लगातार 10,000 करोड़ से बढ़ के 74,000 करोड़, कंसिस्टेंसी आप देखिए इनके नंबर्स में, नेट प्रॉफिट देखिए 1,320 से 13,000 तक पहुंच गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार कंसिस्टेंसी है, गजब के यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, अच्छे मैनेजमेंट को दोस्तों यहाँ पर जो है कंपनी बिलोंग करती है।
तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमको पॉजिटिव नज़र आ रही है। अगर हम इसके कैश फ्लोज की बात करें और ये आप देखेंगे दोस्तों, पॉजिटिव कैश फ्लोज आपको देखने को इसमें मिलेगा और ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग जो कैश फ्लोज हैं इनके बढ़ते हुए जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो देखिए 60.33 है प्रमोटर्स के पास, FIs के पास भी अच्छा खासा माल है 25% के आसपास, DIs के पास 10% है, गवर्नमेंट के पास भी है थोड़ा सा यहाँ पर पब्लिक के पास है। तो ज़्यादातर माल आप देखेंगे दोस्तों स्ट्रांग हैंड्स में है, और स्ट्रांग हैंड्स कौन है? प्रमोटर्स, FIIs एंड DIIs। तो यहाँ पर पब्लिक के पास बहुत ही कम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे स्टेक। तो स्ट्रांग हैंड्स में दोस्तों अच्छी कंपनी के जो शेयर्स हैं सारे स्टेक स्ट्रांग हैंड्स में है। तो ओवरऑल देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार हैं। और डील्स की मैं बात करूँ रिसेंटली दोस्तों, इन्होंने अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो इन्होंने एक सिस्को सनटेक नाम से दोस्तों एक डील की थी, $49 बिलियन की वो डील थी। तो काफ़ी बड़ी डील थी दोस्तों वो, और वो कंपनी करती क्या दोस्तों, वो 5G टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों आने वाला ज़माना 5G का है, तो यहाँ से एक ज़बरदस्त यहाँ पर ग्रोथ देखने को हमको मिल सकती है HCL टेक्नोलॉजीज के रेवेन्यू में, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजीज दोस्तों सारी इंडस्ट्रीज अडॉप्ट करने ही वाली है इवेंचुअली, तो ये हमको समझना चाहिए। अगर मैं इसके और डील्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 न्यू डील्स इन्होंने साइन की थी, ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स इन दिसंबर क्वार्टर। तो इसका इम्पैक्ट हमको आगे देखने को मिलेगा। देखिए, एडेड बाय द मोमेंटम इन इट्स डिजिटल क्लाउड प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म सेगमेंट्स अमंग प्रोमिनेंट लार्ज डील्स, नोएडा बेस्ड HCL टेक्नोलॉजीज वने 600 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम स्वीडिश टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर एरिक्सन इन जुलाई 2020। तो ये 5 साल की डील है, 600 मिलियन की डील थी, उससे पहले सिस्को सनटेक के साथ डील थी $49 मिलियन की। तो ये काफ़ी बड़ी लार्ज डील्स हैं जो इनको आगे फ्यूचर में दोस्तों एक रोबस्ट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करके दे सकती है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल एनालिसिस HCL का, 23 तारीख को इसके रिजल्ट्स हैं। अगर मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर डिविडेंड और रिजल्ट्स 23 अप्रैल को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और डिविडेंड दोस्तों ₹4 इन्होंने अनाउंस किया था, और हो सकता है दोस्तों अब की बार हमको एक और डिविडेंड देखने को मिले, और डिविडेंड यील्ड 1 के ऊपर ही है इसकी, तो अच्छी है। लॉन्ग टर्म में 1% भी दोस्तों काफ़ी इंपैक्ट करता है, तो डिविडेंड अगर 1% मिलता रहे, आपने शेयर्स को एक्यूमुलेट किया है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिशियल ये हो सकता है। तो वी कैन एक्सपेक्ट दोस्तों यहाँ पर अच्छा हमको डिविडेंड देखने को भी मिल सकता है 23 तारीख को। पूरा दोस्तों इसके एनालिसिस करेंगे रिजल्ट जब आएंगे, और बाकी चीज़ें भी इसके एनालिसिस करेंगे पूरा। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अच्छा लगे ये वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।